हेलो एवरीवन, चलिए मैं आपको एक रसगुल्ले की रेसिपी दिखाती हूँ। ये बहुत ही यूनिक रसगुल्ला है। आप लोग तो खोए का बहुत रसगुल्ला बनाए हैं। चलिए आज हम बनाते हैं चावल के आटे का रसगुल्ला। बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यमी। इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक कप मैंने दूध लिया है। आप ये देख सकते हो, ये 250 ml वाला कप है। 250 ml के हिसाब से मैंने दूध लिया है और उतना ही मैंने चावल का आटा लिया है। मतलब आटे और दूध की क्वांटिटी जो है वो इक्वल रहेगी। उसके बाद जैसे ही दूध हमारा खौलने लगेगा, मैं एक चम्मच इसमें घी डाल दी हूँ भर करके। ये जमा हुआ घी था। अगर आप लोग गीला घी यूज़ करोगे तो 2 चम्मच रहेगा, जमा हुआ घी था इसलिए मैं इसमें 1 ही चम्मच यूज़ की हूँ। और जो मैंने 250 ml का कप लिया था उसका आधा मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ, आधा कप चीनी, क्योंकि दूध में थोड़ा हमारे मिठास रहती ही है, शुगर रहता ही है, इसलिए मैं इसमें आधा कप ही चीनी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको अच्छे से गला लेंगे। जब तक कि हमारा चीनी गल नहीं जाता तब तक हम इसको चलाएंगे। आप देख सकते हो हमारा चीनी अच्छे से गल चुका है, इसमें थोड़ा भी नहीं बचा है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें चावल का आटा डाल दूँगी जो हमने 250 ml लिया हुआ था, और इसको धीरे धीरे हम लोग डालेंगे और चलाते जाएंगे। मतलब कि आप लोगों को एक साथ ही नहीं डाल देना है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे आप लोग डालिए और धीरे धीरे चलाते जाइए। एक साथ ही डाल देंगे तो क्या होगा कि वो सूख जाएगा और फिर आपको चलाने में प्रॉब्लम होगी। अब हम इसको चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे। हम इसको करके चला रहे हैं, उसको हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये एकदम सूखा नहीं हो जाता। मतलब कि हमें चलाने में बल ना पड़े तब तक हमें इसको चलाना है। अगर आप लोग फरा बनाते होगे तो फरा के लिए जैसे चावल का हम लोग आटा गूंथते हैं, वैसे ही हमें इसको भी बनाना है। अगर आप लोग फरा नहीं बनाते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, आप लोग जरूर इसको ट्राई करना। ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी नाश्ता होता है जो कि हमारे यूपी में बहुत फेमस है। कुछ कुछ जगहों पर मेरे यहाँ तो ये बहुत फेमस है फरा। और चलिए फिर मैं बताती हूँ, मैं चावल के रसगुल्ले पर आती हूँ, मैं कहीं और चली गई। अब मैं क्या करूँगी कि आप देख सकते हो ये कितना स्मूथ है ना, दूध का ये सारा कमाल है। ये काफ़ी अच्छे से सूख भी चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हम लोग। ठंडा होने के बाद हम लोग आटे की तरह इसको सान लेंगे, जैसे कि हम लोग आटा ही बनाते हैं एकदम सॉफ्ट वाला, वैसा वाला हमें इसको करना है। तब तक हम क्या करेंगे कि चीनी मैं चाशनी रख देती हूँ चूरने के लिए। जितना मैंने 250 कप लिया था उसका मैंने आधा कप चीनी लिया हुआ है और 1 लीटर पानी। चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम ही मैं रखी हूँ क्योंकि हम लोग उसमें भी चीनी डाला हुआ है जो अभी हमने चावल का आटा बनाया हुआ था, इसलिए इसमें चीनी कम यूज़ किया है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इसमें घी लगा लगा के हम लोग इसको आटे की तरह सान लेंगे। थोड़ा सा हाथ पे घी लगा लगा के कीजिएगा। देखिए घी है, हाथ में घी लगा लगा के आप लोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जैसे आटा जो है हाथ में थोड़ा बहुत सटेगा, लेकिन घी के मदद से ये सटेगा नहीं। आप देख सकते हो इसको कैसे हम कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी करना है। थोड़ा थोड़ा मतलब घी लेके अपने हाथों में सान लेना है। आप देख सकते हो मैं दिखा रही हूँ आपको, मम्मी मेरी सान रही है। ये देखिए करते करते हमारा आटा तरह सन गया ना, देख रहे सकते हो आप कितना स्मूथ है, सॉफ्ट सरना हुआ है। ये बहुत ही टेस्टी लगा था, फर्स्ट टाइम था लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था हमारा चावल का रसगुल्ला। अब हम इसका क्या करेंगे कि लोइया बना लेंगे, क्योंकि हमारा चाशनी भी देखिए अभी खोलने लगा है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, छोटी इलायची मैंने कूट के रखा हुआ था, आधा चम्मच मैं इसमें छोटी इलायची डाल दूँगी टेस्ट के लिए। और फिर उसके बाद इसको हम लोग खोलने ही देंगे। हमें सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हमें 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ 1 तार की चाशनी बनानी है। बस 1 तार की चाशनी बनती है जैसे ही आपका चीनी गल जाए और 5 मिनट खोल जाए, तो मैं समझे आपकी 1 तार की चाशनी बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा इसके लोइया बना लेंगे मीडियम आकार का ही, क्योंकि क्या है कि ये भी थोड़ा सा फूलेगा भी। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कहीं से भी फटे ना, कहीं से भी ये दबे ना, एकदम स्मूथ लोइया होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो रसगुल्ला है वो फट भी सकता है। और मैंने इसमें कोई यूज़ नहीं है, जैसे खोए का हम लोग जब रसगुल्ला बनाते हैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि खोए का रसगुल्ला जो होता है फट जाता है या फिर कड़ा हो जाता है, बट इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। ये धीरे धीरे करके हम लोग डालेंगे। और इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि चाशनी जो है आप हमेशा आप लोग का खोलते रहना चाहिए, मतलब स्थिर नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग का स्थिर हो जाएगा ना तो फिर वो बन नहीं पाएगा, खोलते रहना चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा। और फिर हम लोग इसको खुले में ही कम से कम तेज आँच पर ही 10 मिनट पकाएँगे, 10 मिनट में ये बन जाएगा। और मैं इसको ढकी नहीं थी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ढकना नहीं है हमें। आप देख सकते हैं उसका कलर कितना टेस्टी दिख रहा है ना, कितने तरीके से चेंज हो गया है, ये वाइट वाइट कितना अच्छा फूल गया है। और मैं इसको अभी पकाते हुए हमें 5 मिनट हुए हैं और मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम मीडियम कर देती, मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में था ये। 5 मिनट और हम लोग इसको पकाएंगे।
ये देख सकते हो आप, 5 मिनट और मैंने उसको पकाया और आप इसको देख सकते हो ये कितने अच्छे तरीके से ऊपर गुप्पा की तरफ फूल के चला आया है ना। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही तो ट्रिक है चावल के रसगुल्ला बनाने का कि जब ये फूल के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका रसगुल्ला परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना अच्छा टेस्टी दिख रहा है। मैं इसको ढक के रख देती हूँ क्यों, और हम लोग इसको ठंडा होने के बाद आप लोग इसको खाइएगा, बहुत ही टेस्टी एंड यमी बना हुआ है। आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना, एंड मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।